I partnered with them for India, and now we're partnering for the world market together. Yes. And बहुत excited हैं. बहुत सारे clinics हिंदुस्तान में खोलने हैं. 150 से ज़्यादा clinics का plan अगले 3 साल के अंदर ही है. दो clinic already मुंबई में खोल चुके हैं. जो आज आप सातवें माले पर देखेंगे वो हमारा दूसरा क्लिनिक है. पहला जुहू पे 10th रोड पे ऑलरेडी खुल चुका है. मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 15 क्लिनिक्स के साथ हमारी पार्टनरशिप शुरू हो रही है. गुजरात में, हैदराबाद में, ऑल ओवर इंडिया लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो है ये एंटी एजिंग और उसके साथ में होलिस्टिक वेलनेस. जैसे अगर आपके पेरेंट्स उम्र दराज हैं और उनके घुटने में दर्द हो रहा है, जैसे मेरे दोनों पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, तो घुटने में दर्द होता है तो आपको डर लगता है कि नी रिप्लेसमेंट तो नहीं कराना पड़ेगा. अच्छा, वो दर्द के साथ जी रहे हैं, वो भी आपको देखा नहीं जाता है. नी रिप्लेसमेंट कराने में जनरल एनेस्थीजिया लगता है तो आपको उसका भी डर लगता है कि जीए में हम अपने पेरेंट्स को इस उम्र में डालें कि नहीं डालें. तो हम जो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं उससे आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. इट एक्चुअली रिप्लेसेस द नी रिप्लेसमेंट और द रिक्वायरमेंट ऑफ द नी रिप्लेसमेंट. नॉन इन्वेजिव, यानी कि सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है. यानी कि आपके पेरेंट्स को काटा पाटी और जनरल एनेस्थीजिया ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं जहाँ पे बिल्कुल ही बोन्स के बीच में बिल्कुल सेम्ब्लेंस ऑफ टिश्यूज, मेम्ब्रेन्स, लिगमेंट है, कार्टिलेज है ही नहीं. वहाँ पे कार्टिलेज की रीग्रोथ हो जाती है 3-3 महीने के अंदर अंदर. सो ऐसे रिजल्ट्स हमने देखे हैं. अभी फ्रैंक हैज़ बिन ट्रीटिंग समबॉडी 85 साल के, 85 ईयर्स ओल्ड, व्हीलचेयर में आते थे हमारे क्लिनिक पे. 15 साल से व्हीलचेयर से बिना मदद के उठे नहीं हैं और अब वो अपने आप चलने लगे हैं. दैट इज़ अंडर 3 मंथ्स. इन अंडर 3 मंथ्स ही इज़ गेटिंग अप फ्रॉम द व्हीलचेयर हिमसेल्फ एंड वॉकिंग स्लोली एंड श्योरली. वो जो एक खुशी पूरी फैमिली को मिली है ना, वो देखकर मुझे लगता है कि वो हमारा विजन है, वो हमारा मिशन है. हरीश भाई ने यही कहा कि विदेश जाके, US जाके बहुत सक्सेसफुल रहे ये, लेकिन इनका मन ये था कि हिंदुस्तान आके वापस अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना है. अलग अलग प्रोग्राम्स के अलग अलग चार्जेस हैं. सो एग्जांपल के तौर पे जैसे अभी आप नी रिप्लेसमेंट करने जाते हैं तो करीबन 8 लाख 7 लाख, अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग हिसाब से, उसके साथ रिस्क अलग, उसके साथ में जो आपको डॉक्टर के पीछे भागना पड़ता है, कौन सा अच्छा डॉक्टर है, कौन सा हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, पहुँच है नहीं है. सबसे पहले तो 1/4 से भी कम, 8 लाख से 1/4 से भी कम, मतलब 2 लाख के अंदर ही अंदर आपकी पूरी की पूरी नी की ट्रीटमेंट इस तरह से हो जा सकती है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़े. तो इतना डिफरेंस है प्राइसिंग में और सबसे बड़ी लाइफ सेविंग है. और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब आप सर्जरी कराते हो तो 3 महीना 4 महीने तक रिहैब में फिर जाना पड़ता है, अलग खर्चा है उसका, अलग खर्चा है. और ये नी फिक्स करने के बाद, अभी जेफ ने, फ्रैंक ने एक क्लिनिक में ट्रीट किया जो विवेक भाई ने बताया, 85 साल के, वो 3 जन को लेकर क्लिनिक आ रहे थे, आज वो बगैर क्लिनिक ऐसे ही आ रहे हैं ड्राइवर को लेकर. ओके सर, मुंबई के अलावा और कहाँ कहाँ पे क्लिनिक खुलने वाला है? तो अभी फिलहाल मुंबई में 2 क्लिनिक खुले हैं, बट पूरे हिंदुस्तान में हम एक्सपैंड कर रहे हैं. विद इन 3 ईयर्स 150 क्लिनिक, करीबन 500 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट हम हिंदुस्तान में लगा रहे हैं, ऑल ओवर द कंट्री. एंड हिंदुस्तान ही नहीं, हमें इस को पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इसे एक्सपैंड करना है. वेलनेस, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वेलनेस जिसे कहते हैं, और एंटी एजिंग, इन दोनों को साथ में मिलाकर हिंदुस्तान को फिर से हेल्दी और फिट बनाना है.